शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ममीकरण की प्रक्रिया प्राचीन मिस्र में अब तक के अनुमान की तुलना में 1000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। पिछले साल वैज्ञानिकों ने तकनीक की मदद से ममी की आवाज की नकल की थी। हजारों साल पहले ताबूत में बंद ममी की आवाज कैसी रही होगी? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या आज इसे दोबारा सुना जा सकता है? पिछले साल वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया था और एक खास तकनीक का इस्तेमाल करके ममी की आवाज की नकल की थी। शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि उन्होंने मेडिकल स्कैनर, 3D प्रिंटिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक वोकल ट्रैकर का इस्तेमाल करके 3000 साल पुरानी मिस्र की ममी की आवाज की नकल की है। जनवरी 2020 में साइंटिफिक रिपोर्ट मैगजीन में प्रकाशित एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने कहा था कि तकनीक की मदद से उन्होंने एक ध्वनि पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि इस अजीबोगरीब ध्वनि के मिस्र के पुजारी नेसिमुन की आवाज़ के हूबहू नकल होने की संभावनाओं से इनकार किया गया था, जिनके ममीकृत शरीर के साथ शोधकर्ता काम कर रहे थे। पुजारी के जीव ने 3 सहस्त्राब्दी में अपना अधिकांश हिस्सा खो दिया था। लंदन के रॉयल हॉलेवे कॉलेज के सह लेखक डेविस एम हावर्ड ने कहा था कि हमने मौजूदा स्थिति के अनुसार एक उचित ध्वनि पैदा की है, लेकिन हम उनकी जवान की स्थिति को देखते हुए सटीक आवाज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। जर्मनी के बुर्जबर्ग में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के विशेषज्ञ रोडोल्फ हैगन ने इस पर संदेह जताया था। उन्होंने कहा था कि अत्याधुनिक दवा भी बिना वक्ष के जीवित लोगों को सामान्य आवाज़ देने के लिए संघर्ष करती है। मिस्र ज़्यादातर अपने सदियों पुरानी पिरामिडों, ममी और प्राचीन संस्कृतियों के चलते पुरातत्वविदों की पहली पसंद रहा है। इतिहास के रहस्यों पर से पर्दा हटाने में भी मिस्र का अहम योगदान है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि ममीकरण की प्रक्रिया प्राचीन मिस्र में अब तक के अनुमान की तुलना में 1000 साल पहले ही शुरू हो गई थी। मिस्र में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों की खोज पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार सबूत बताते हैं कि यह प्रक्रिया अनुमान से पहले ही शुरू हो गई थी।